हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे हम लोग चिकन करी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, फिर 1 स्टिक दालचीनी डालेंगे, फिर 3 से 4 लौंग डालेंगे, 4 से 5 काली मिर्ची, 2 से 3 इलायची, फिर 1 तेज पत्ता। फिर इसको थोड़ी देर के लिए चलाएँगे, फिर अनियन डालेंगे, फिर चलाएँगे, फिर अब 7 से 8 लहसुन, 1 इंच अदरक कटी हुई लेंगे, फिर चलाएंगे। इसको तब तक से चलाएंगे जब तक कि अनियन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, गोल्डन कलर ना हो जाए। लगभग इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे करीबन 1 मिनट के लिए। फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। फिर उसी कढ़ाई में हम लोग फिर से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद हमारे चिकन डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, उसको अच्छे से धो लिया 3-4 बार, फिर उसके बाद डाला है। फिर चिकन को हम लोग मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए चिकन का। तो उसके बाद हम लोग डालेंगे पेस्ट। कोई चिकन को पकाने से पहले चिकन को मैरिनेट करता है करीबन 25 से 30 मिनट के लिए, लेकिन वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। लेकिन ये जो रेसिपी एकदम जल्दी बनती है और टेस्टी भी बहुत होती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब डालने की बारी है टमाटो, जिसको मैंने पीस लिया। यहाँ 2 टमाटो लिया है मैंने। कोई करी को और टेस्टी बनाने के लिए काजू का पेस्ट डालता है, काजू का पेस्ट नहीं तो कोकोनट का पेस्ट डालता है, नहीं तो दही डालता है। वो डिपेंड करता है टेस्ट, जिसको जो टेस्ट पसंद है वो डालता है। आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं करी में। बारी है मसाले डालने की। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, फिर नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। फिर इसको लगभग हम लोग चलाएँगे थोड़ी देर। हम लोग इसको ऐसे ही पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसको हम लोग ढक कर पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, फिर से ढक्कन ओपन करेंगे, फिर वापस से चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए चलाएंगे। फिर चलाने के बाद फिर से इसको ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर। बीच बीच में हम लोग ढक्कन हटाकर चेक करते रहेंगे और थोड़ा चलाते रहेंगे। चलाने के बाद उसको वापस से फिर से ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद करीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे। 15 से 20 मिनट होने के बाद ढक्कन को हटा देंगे। फिर 1 टेबलस्पून चिकन मसाला डालेंगे। वो वीडियो शायद स्किप हो गया है मेरे ख्याल से, तो आप डालना मत भूलिएगा, चिकन मसाला ज़रूर डालिएगा। करी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम लोग थोड़ा सा धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद थोड़ी देर के लिए करीबन 1 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन करी एकदम तैयार हो गया है और एकदम टेस्टी और यम्मी लग रहा है। इस चिकन करी को देखकर तो मेरे मुंह में एकदम पानी आ गया है। आप इस चिकन करी को चपाती या राइस के साथ खा सकते हैं। मैं तो चली खाने के लिए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं चली इसको राइस के साथ खाने के लिए। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।